महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर कयास शुरू हो गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अनुमान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस के पास कितनी दौलत है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों से संपत्ति का खुलासा करने को कहा था। इसमें देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी और पत्नी अमृता फडणवीस की संपत्ति का खुलासा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 5.2 करोड़ रुपए है। इसमें से 56 लाख रुपए की चल संपत्ति है तो 4.6 करोड़ की अचल संपत्ति है। इस अचल संपत्ति में खेतीहर जमीन और आवासीय संपत्ति दोनों शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी सालाना कमाई 38.7 लाख रुपए थी, जबकि 2022-23 में 38.6 लाख रुपए रही थी। फडणवीस ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास 23,500 रुपए कैश और 2.3 लाख रुपए बैंक खाते में जमा है। इसके अलावा 1.7 लाख रुपए पीपीएफ खाते में जमा है तो 3 लाख रुपए की पॉलिसी भी ले रखी है। इसके अलावा 32 लाख रुपए के सोने के गहने भी हैं। फडणवीस ने नागपुर में 2 प्लॉट भी खरीद रखे हैं। इसमें से 1 प्लॉट की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है तो दूसरे की 47 लाख रुपए है। उनकी पत्नी के पास 7.9 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। उन्होंने हलफनामे में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी सालाना कमाई 79,30,402 रुपए रही है। इससे पहले के वित्त वर्ष में उनकी सालाना कमाई 92,48,095 रुपए रही है। इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले के वित्त वर्ष में तो उनकी सालाना कमाई 1,84,38,355 रुपए रही थी। हलफनामे के अनुसार उनके हाथ में 10,000 रुपए तो म्यूचुअल फंड में 5.6 करोड़ रुपए का निवेश है। इसके अलावा 65 लाख रुपए के सोने के गहने हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति को बड़ी जीत मिली है। 288 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास कुल 232 सीटें हैं। अकेले बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, शिवसेना के पास 57 और अजीत पवार की एनसीपी के पास 42 विधायक हैं। बीती शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग बात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे को संकेत दे दिया गया कि सीएम फडणवीस ही होंगे। एकनाथ शिंदे शुरू में डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनका रुख नरम हुआ। शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास चाहते हैं। मुंबई में शाम को महायुति ने तीनों नेताओं की बैठक रखी है और विधायक दल का नेता चुनने के बाद बीजेपी विधायकों की बैठक हो सकती है। इन बैठकों के बाद दिल्ली में भी महायुति की एक बैठक प्रस्तावित है। इससे साफ है कि अभी नई सरकार के गठन में समय लग सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।